प्रिय छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को जरूर पढ़ें और देखें, क्योंकि ये परीक्षा में आने वाला प्रश्न है और ये फुल मार्क्स वाला प्रश्न है। तो जैसे देखिए, समीकरण दिया गया है कि एक समीकरण आपको हल करना है और इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देख रहे हैं लिखा गया है 1/3 x - y और दूसरे में देखिए लिखा गया 3x - y और फिर 3/4 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3x - y लिखा गया है और यहाँ पर देखिए 3x - y लिखा है। उसी तरह से दूसरे समीकरण देखिए, यहाँ पर 3x - y और यहाँ पर 3x - y लिखा है। तो इसलिए आप इसको मान लेंगे, तो इसका हल चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लेंगे कि माना 1/3x - y बराबर हम इसको a मान लेंगे और 1/3x - y इसको हम मान लेंगे b। इस तरह से जब इसको हम मान लेंगे तो हमारा समीकरण इस तरह से हो जाएगा। पहला समीकरण हो जाएगा कि a·b, पहला समीकरण हो गया कि a·b बराबर हो जाएगा 3/4। अब इसको हम लिख देखते हैं, समीकरण हो गया 3। इसी तरह से दूसरा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा a·2 − a हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, ये हो गया, ये हो जाएगा a·2 − b·2 और ये बराबर हो जाएगा −1/8। ये होगा, इसको लिख देंगे समीकरण 4। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b का मान निकाल लेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए आप कैसे करेंगे, तो देखिए पहला समीकरण है, देख रहे हैं लिखा गया है कि a·b = 3/4 और दूसरा समीकरण लिखा गया है a·2 − b·2 = −1/4। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो पहले समीकरण 2 को, ये समीकरण जो b और ये √2 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा −1/8 हो जाएगा। इस तरह से इसको सरल कर देंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा a − b = −2/8 हो जाएगा। तो 2/8 को इस तरह से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। तो पहला समीकरण है कि a·b = 3/4, इसको हमने मान लिया कि समीकरण 3 है, इसको 3 लिख देंगे। इसके बाद दूसरा समीकरण हो गया, ये हो गया कि a − b और बराबर हो जाएगा −1/, अब a·4 हो जाएगा। इस तरह से समीकरण इसको हम 4 लिख देंगे। इसके बाद देख रहे हैं इसको अगर विलोपित बीच से लगाएंगे तो देखिए कट जाएगा, तो आ गया यहाँ पर 2a बराबर ये हो गया 3/4 − 1/4, 3/4 में से 1/4 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 2a बराबर यहाँ पर ये हो गया 2/4, 2 × 1 = 2, 2 × 4 ये आ गया 1/2 बराबर से आ गया 1/4 हो जाएगा। इसी तरह से b का मान निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 है a·b = 3/4। तो आप यहाँ लिखेंगे a के स्थान पर लिख देंगे 1/4 और धन b के स्थान पर b और फिर 3/4, ये बराबर हो गया 3/4। इस तरह से आपको b का मान निकाल लेंगे। तो इस तरह से जब b का मान निकालेंगे तो b = 3/4 − 1/4 घटा देंगे तो आ जाएगा 2/4, 2/4 को सरल कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 यह आ जाएगा 1/2। इस तरह से आपने b का मान निकाल लिया, b का मान आ गया 1/2 और a का मान आ गया 1/4।
तो इस तरह से अब आप जो माने हैं उसमें आप इसको रख देंगे तो आपका समीकरण आपने माना है कि एक बटे तीन एक्स धन वाई, इसको आपने माना है ए, तो चूंकि ए का मान कितना आया है, ए बराबर आया है एक बटे चार, तो एक स्थान पर एक बटा चार रख देंगे तो समीकरण कितना हो जाएगा, ये तो समीकरण हो जाएगा एक बटे तीन एक्स धन वाई बराबर हो गया एक बटे चार। और इसको जब सरल करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कि तीन एक्स धन वाई बराबर चार। इसको समीकरण आप पाँच लिख देंगे। इसके बाद दूसरे को आपने माना है कि एक बटे तीन एक्स माइनस वाई बराबर एक बटा दो है, इस तरह से माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा दो। इस तरह से इसको आप समीकरण छः लिख देंगे। अब समीकरण पाँच और छः को हल कर लेंगे। इस तरह से आपका एक समीकरण हो गया कि तीन एक्स प्लस वाई बराबर आ गया चार, इसको आपने पाँच लिखा है। और दूसरा समीकरण है कि तीन एक्स माइनस वाई बराबर दो, इसको समीकरण छः लिख दिए। अब दोनों समीकरण में देख रहे हैं कि एक्स तीन एक्स लिखा है और यहाँ पर तीन एक्स लिखा है, यहाँ देखिए वाई लिखा है, यहाँ माइनस वाई लिखा है। तो इस तरह से अगर आप जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसको आप काट देंगे। तो जब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए वाई से वाई कट जाएगा, तो इस तरह से वाई को काट देंगे। तो यहाँ देखिए आ गया छः, इसको लिख देंगे छः एक्स बराबर यहाँ छः हो गया। इस तरह से एक्स बराबर आ गया छः बटा छः, आ गया एक, एक्स का मान आ गया एक। इसी तरह से आप वाई का मान निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे किसी भी समीकरण में, जैसे लिख देंगे तीन एक्स प्लस वाई बराबर चार है, तो एक्स के स्थान पर आपको लिखना है कितना, तो हो जाएगा तीन गुणे एक धन वाई बराबर चार। तो इस तरह से तीन धन वाई बराबर आ गया चार। तो आप इसको लिख सकते हैं, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कि वाई बराबर चार माइनस तीन, और इस तरह से वाई बराबर एक आ गया। तो इस तरह से वाई का मान एक आ गया और एक्स का मान एक आ गया। तो आपने बहुत ही सरल ढंग से एक्स का मान और वाई का मान निकाल लिया। इसको आप जांच भी कर सकते हैं, आपको समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।